पॉलिटेक्निक में अगर आपको एडमिशन लेना है तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म आ चुके हैं, तो जल्दी से आप अपना फॉर्म करें अप्लाई। इसके बारे में जानकारी ये है कि अगर आप 10th क्लास पास हैं बच्चों, 10th क्लास अगर आप पास हैं तो आप भर सकते हैं पॉलिटेक्निक का फॉर्म। अगर आप 10th क्लास पास हैं तो आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो 10th क्लास है। अगर हम इसके एज लिमिट की बात करें, तो इसकी मिनिमम जो एज लिमिट होती है वो होती है 14 साल। अगर आप 14 साल तक की एज है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, अपने जीवन में महत्वपूर्ण कैरियर बना सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेड ट्रेड्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग होती है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है और आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग होती है। इतनी किसी भी ट्रेड में एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके फॉर्म आ चुके हैं और फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 15 फरवरी से लेकर के 17 अप्रैल, कितनी 17 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, वेबसाइट लिख लीजिए, वेबसाइट है gcup.nic.in। जल्दी से जाइए, इस वेबसाइट को करिए क्लिक और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। 10th क्लास से 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा आप करिए। एग्जाम पैटर्न क्या है समझिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन मैथ के आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, इसका मतलब 100 मार्क्स की फिजिक्स, 100 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री और 200 मार्क्स का आपका हो जाता है मैथ। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 400 मार्क्स का पेपर आता है। तो आप निरंतर जुड़िए और बढ़िया से करिए तैयारी। खास बात, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो WhatsApp ग्रुप मैंने बनाया है, लिंक WhatsApp ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डिस्क्रिप्शन पे, लिंक को क्लिक करिए और डायरेक्ट जुड़िए मेरे साथ। धन्यवाद, समय समाप्त, बाकी का शेष अगले वीडियो में करिए इंतजार। बाय बाय।